हेलो फ्रेंड्स, तो बीएड सिलेबस के अनुसार हम देख रहे थे ईटी एंड आईसीटी की बुक, जिसमें हम यूनिट 3 देख रहे हैं जो कि है एमएस विंडोज़। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है एमएस वर्ड 2007। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि एमएस वर्ड 2007 है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही लॉन्च किया गया एक पैकेज है एमएस वर्ड, जो कि एक नए यूज़र इंटरफेस के साथ आया है। इसे हम फ्लुएंट यूआई भी कह सकते हैं। एमएस वर्ड जो है उसने अपने मेनू को अपडेटेड किया है, जिसका नाम है रिबन। रिबन में बहुत सारे क्विक एसेस या फ्रिक्वेंटली यूज मेनू ऑप्शंस, ये सब हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं एमएस वर्ड 2007 के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहला है क्विक फॉर्मेटिंग। यहाँ पर हम जो भी चीज हम चेंज कर रहे हैं, जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, इसे इसका एक प्रीव्यू जो है अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में यूज़ करने के पहले किस प्रकार से दिखेगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर पाएंगे क्विक फॉर्मेटिंग के ज़रिए। क्लिक एंड टाइप फीचर है इसका नेक्स्ट, जो कि जिसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड टेबल्स। जहाँ भी ब्लैंक स्पेस हमें दिख रहा है टैबलेट डॉक्यूमेंट के अंदर, वहाँ हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देन हम इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट, इमेजेस, जस्ट आप डबल क्लिक करिए और आपको ये ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे किसी भी ब्लैंक स्पेस पे या जहाँ पे भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कलेक्ट एंड पेस्ट फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। वर्ड यूज़र्स जो हैं उन्हें अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, तो वो उन्हीं चीज़ों को दूसरे सोर्स पे कॉपी करके क्लिपबोर्ड पे पेस्ट करके और फिर से फर्दर अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक नया फीचर है। देन है हमारा पर्सनलाइज्ड मेन्यूज नाम का फीचर, जो कि यूज़र्स ईजीली एक्सपांड कर सकते हैं मेन्यूज़ को उनके अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। देन आता है ड्रॉ एंड फॉर्मेट टेबल्स। तो यूज़र्स अलग अलग प्रकार की टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं टेबल डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे नेस्टेड टेबल्स हो गई, फ्लोटिंग टेबल्स हो गई, आर्बिट्री टेबल्स हो गई, या साइड बाय साइड टेबल्स भी प्रोवाइड हो सकती है इसके द्वारा। देन नेक्स्ट फीचर है हमारा थसोरस, जिससे जो कि हम नया वर्ड जो इंट्रोड्यूस हो रहा है उसी को यूज़ करते हुए एक थसोरस क्रिएट होती है, जिसमें आपके वर्ड्स एड ऑन होते जाते हैं। फॉरेन लैंग्वेज फीचर्स, ये जो फीचर है इनेबल करता है यूज़र्स को ताकि वो डॉक्यूमेंट बना सके इंग्लिश और हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस में। ओके, देन है हाउ टू स्टार्ट, किस प्रकार से हम एमएस वर्ड 2007 स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें जो सबसे पहले जाना है स्टार्ट बटन पे, देन क्लिक करना है ऑल प्रोग्राम्स पे, देन सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वहाँ आपको अलग अलग पैकेजेस के ऑप्शंस आएंगे और वहाँ हमें चूज़ करना है एमएस वर्ड को। अब हम कुछ पार्ट्स और कुछ कंपोनेंट्स, 9 टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है वर्क एरिया। तो जिस एरिया में हमें वर्क करना है, जिसका यूज़र यूज़ करके टाइप कर सकते हैं कुछ कुछ परफॉर्म कर सकते हैं टास्क, उसी को हम वर्क एरिया कहते हैं। जब यूज़र क्लिक करता है वर्क एरिया में, वर्टिकल बार हमें अपीयर होती है जो कि शो करती है लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस बार, ये शो करता है वेरियस डॉक्यूमेंट, वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट। ओके, और उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आपको स्टेटस बार को कस्टमाइज करना है तो यूज़र एक राइट क्लिक बटन करेंगे स्टेटस बार पे, एंड जिस प्रकार का स्टेटस बार आप चाहते हैं उस ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। देन आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉलिंग जो है वो प्रोवाइड प्रोवाइड कराती है यूज़र को एक फीचर, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट बॉडी पे या कंटेंट में मूव कर सके अप एंड डाउन या लेफ्ट या राइट। ओके, तो इसके लिए एलिवेटर बटन्स होती है स्क्रॉल बार पे, या हम क्लिक कर सकते हैं एरो बटन्स पे जो कि स्क्रॉल बार के साथ ही एसोसिएटेड रहते हैं। देन आते हैं रिबन, जो कि वेरियस ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं
डिफरेंट टाइप्स के लिए, और साथ ही साथ में ग्रुप्स एंड कमांड्स का भी यहाँ पे कंटेंट रहता है। देन है स्टाइल ग्रुप्स। ये जो ग्रुप है इसके पास वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, यूज़र अप्लाई कर सकते हैं इनमें से किसी भी एक को जस्ट उसे सिलेक्ट करके। टाइटल बार शो करता है डॉक्यूमेंट का टाइटल, उसका नाम, साथ ही साथ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम। देन आता है टैब्स। एमएस ऑफिस 2007 प्रोवाइड करते हैं न्यू फीचर इन द प्लेस ऑफ मेन्यू की जगह टैब्स हैं, जिससे हम टैब भी कहते हैं। और यहाँ पे अलग अलग टैब्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी और इसे यूज़ करके आप मैनेज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को या कस्टमाइज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। देन आता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये यूज़ किया जाता है परफॉर्म करने के लिए कुछ कॉमन एक्शंस। क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करके हम कुछ कॉमन एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सेव, अंडू, रीडू। ओके, और कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं और यूज़र्स इसे भी कस्टमाइज़ कर सकता है और कि आपको उस क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या रखना है। देन आते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये प्लेस्ड होता है राइट कॉर्नर ऑफ द ग्रुप के। ओके, तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि हम एमएस वर्ड 2007 के बारे में देख रहे थे। आई होप आपको इतना समझ में आया हो, एंड कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।